हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। हमारे लॉजी टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो लाइफ एम सिरप के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर हेल्थ से जुड़ी जानकारी, दवाओं से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो लाइफ एम सिरप, इसका कम्पोजिशन है ओ फ्लोक्सासिन मेट्रोनिंडाजोल। इच 5 ml कंटेंस की बात किया जाए इसमें तो ओफ्लोक्सासिन आईपी 100 mg और मेट्रोनिंडाजोल मिला करके इसको बनाया गया। वो लाइफ एम बच्चों का सिरप है, 60 ml का पैकिंग है और इसका MRP है ₹59.90। ये आपके सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों में इस्तेमाल होता है ये सिरप। इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दो कम्पोजिशन है इसके। ओफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई सारे बीमारियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया संक्रमण में किया जाता है। ओफ्लोक्सासिन कैविटी संक्रमण, आंतों के संक्रमण, पेट के बैक्टीरिया संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा कंपोजिशन है इसका मेट्रोनिंडाजोल। ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया संक्रमण में उपयोग किया जाता है। वो लाइफ एम सिरप का उपयोग कहाँ करेंगे? ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिंडाजोल दोनों एंटीबायोटिक दवा है जो पेट के बैक्टीरिया संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों में होने वाले दस्त, डायरिया में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों को पेट खराब हो जाता है उस समय इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों में पतले दस्त होते हैं, पेट खराब होते हैं, पेट में बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है तो उस समय इस दवा का उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग छोटे बच्चों में पेट खराब में दिया जाता है। बहुत ही अच्छी दवा है पेट खराब के लिए दोस्तों। दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का उपयोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के बच्चों को किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपका किसी भी तरह का सवाल हो या सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।